जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित ही होंगे। दोस्तों शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव भगवान भोले की पूजा विधिवत करते हैं तो आप पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके इच्छा के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपको जल्दी नौकरी नहीं मिल रही है, लाख प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपका व्यवसाय ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपका कोई कार्य चलते चलते अचानक रुक गया हो, आपके परिवार में हमेशा धन की तंगी बनी रहती हो, तो इन सभी चीजों को भली भांति ठीक करने के लिए आज मैं आपको अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा उपाय आपको लाई हूँ, जिसे आप निश्चित ही करें और अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की लाएं। आप यह उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपको उपाय धतूरे से करना है और आपकी सारी समस्या का हल धतूरे के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा। आपको चाहिए दोस्तों, आप धतूरे को घर ले आइए और आप उस धतूरे को हल्दी में डुबो लें और हल्दी में डुबोने के बाद में रात्रि के 12 बजे शिवलिंग पर समर्पित कर दें और 10 से 15 मिनट बाद आप धतूरे को उठाकर वापस अपने घर ले आइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपका व्यापार तेजी से चलने लगता है और आपके व्यापार में तरक्की होने लगती है। आपको चाहिए आप केवल शिवरात्रि के 12 बजे ही इस उपाय को किया जा सकता है। आप इस शिवरात्रि पर यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय श्री पूजनीय पंडित प्रदीप जी महाराज के द्वारा बताया गया है। आप इस उपाय को अवश्य करें। ऐसे अन्य कई उपाय मेरे चैनल पर डाले हुए हैं मैंने। आप इन उपायों को सुनकर अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।